बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुश रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने जमान में रखे, आमीन। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी है, आज हम बनाएंगे बेसन का चिल्ला, जिसके लिए मेरे पास इन्ग्रीडियंट्स हैं। एक कटोरी मैंने बेसन ले लिया है, सूखा धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून स्पून, एक छोटी टमाटर है जिसको मैंने इस तरह क्यूब में काट लिए, पालक है 3 चम्मच, प्याज है छोटे दरमियाने साइज की, हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, नमक है 1/2 टी स्पून, मिर्च है 1/2 टी स्पून, हल्दी है 1/2 टी स्पून। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसन को एक कटोरी में डालेंगे। बेसन को मैंने छान ली अच्छी तरह से। सबसे पहले एक कटोरी में बेसन को डालूँगी। बिस्मिल्लाह, अब ज़ीरा, गरम मसाला और सूखा धनिया ये मिक्स कर दूंगी, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, अब प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया इसको डालती हूँ। ये हरे वाली प्याज की जड़ें हैं मेरे पास, जो मैं ये भी डाल रही हूँ खुशबू के लिए, जिसको फूकें कहते हैं पंजाबी का लफ्ज़ है, ये फूकें होती हैं। पालक इसमें, अब इसका एक मैं घोल सा तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरह का मुझे बैटर चाहिए था जो मैंने तैयार कर लिया, ना पतला है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए एक पैन में एक तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है, तो घी गर्म होता है, ये पैन मेरा गर्म हो गया। अब इसमें मैं एक ही साथ सारा डाल दूँगी चिल्ला। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह मेरा पूरे तवे पे आ गया। अब कम हल्की आंच इस पर कर दें ताकि दोनों साइडों से आराम से पक जाए। देखिए इसकी मैंने साइड चेंज की, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह दूसरी साइड से इसको पकने दूंगी। देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से कितना ज़बरदस्त पक के ये तैयार हुई है रोटी हमारी। इसको बेसन की रोटी कह लें, बेसन का चिल्ला कह लें, कोई भी नाम दे लें, यह आप पर डिपेंड करता है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। लें जी, चिल्ला मेरा तैयार हो गया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। देखें जी, इसको मैंने डिश आउट किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है। इसको बनाएं, आजकल मौसम है, खुद खाएं, दोपहर के टाइम बच्चों को दें, लंच बॉक्स में दें, बच्चे बड़े खुशी खुशी खाएंगे। रोटी की रोटी है और चिल्ले का चिल्ला है। ये रेसिपी थी मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।